प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए दिल्हीना मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम खाते वीर बाळ दिवस की उजवणीना कार्यक्रम में भाग लीधो हतो। कार्यक्रम में प्रधानमंत्रीए लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा रजू करायेला शब्द कीर्तन में हाजरी आपी हती। आ प्रसंगे 3000 बाळकों द्वारा मार्च पास ने पण फ्लेग ऑफ करावियुं हतुं। 9 जानुआरी 2022 ना रोज श्री गुरु गोविंद सिंहजी ना प्रकाश पर्व ना दिवसे प्रधानमंत्रीए जाहेरात करी हती कि 26 डिसेम्बर ने वीर बाळ दिवस तरीके उजवामां आवशे। आ प्रसंगे सभा ने संबोधता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए जणाव्यु कि भारत आजे प्रथम वीर बाळ दिवस उजवी रह्यु छे। आ राष्ट्र माटे एक नवी शुरुआत नो दिवस छे। જ્યારે આપણે બધા ભૂતકાળમાં આપેલા બલિદાન માટે માથું નવામાં માટે ભેગા થયા છે। વધુમાં પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે શ્રેષ્ઠ ગુરુ પરંપરા એ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની વિભાવના માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત છે। ગુરુ ગોવિંદસિંહજીની નેશનલ ફર્સ્ટની પરંપરા આપણા માટે એક મોટી પ્રેરણા છે। વીર બાળ દિવસ હમે યાદ દિલાયેગા કે શૌર્ય કી પરાકાષ્ઠા કે સમય कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा।